हेलो फ्रेंड्स, चटपटी वेज रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कटोरी पिज्जा, जिसका बेस हम घर पर ही रेडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कटोरी पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया 1 कप मैदा, आधा कप दही, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून नमक और आधा छोटा चम्मच शुगर पाउडर। सबसे पहले हम पिज्जे का डो रेडी करेंगे। इसके लिए हम लेंगे मैदा, मीठा सोडा, नमक और शुगर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दही डालकर इसका डो तैयार करेंगे। इसका हमें बहुत ही सॉफ्ट डो लगाना है। थोड़ी और दही ऐड करेंगे। डो हमारा रेडी हो गया है। इस पर हल्का सा ऑयल लगाकर हम फिर से इसे 2 मिनट के लिए गोलेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए रख देंगे। पिज्जा की टॉपिंग के लिए हमने यहाँ लिया 1 बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप स्वीट कॉर्न, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1/2 कप मोजरेला चीज, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ओरिगैनो। साथ ही हमने लिया है पिज्जा पास्ता सॉस, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, और वेज मेयोनीज भी है। डो हमारा सेट हो गया है। अब हम एक कटोरी लेंगे और उसे घी या तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें ग्रीस करना है। अब हम आटे से 1 लोई लेंगे और इसे अच्छे से ऐसे घुमाते हुए गोल, इतनी हमें लोई लेनी है, और इसे इस तरह से फैलाएंगे। और इस तरह से फैलाते हुए अब हम इसे कटोरी में लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें कटोरी में इसे लगाना है। अब हम इस पर लगाएंगे पिज्जा सॉस। व्हाइट सॉस, मोजरेला चीज, प्याज, शिमला मिर्च, थोड़े से स्वीट कॉर्न, टमाटर, और फिर से इसके ऊपर हम डालेंगे मोजरेला चीज। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो और थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स। यहां मैंने 3 कटोरी पिज्जा रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे पैन में बेक करेंगे। यहां मैंने एक पैन लिया है, उसमें नमक डालकर रखा है। नमक हम इसलिए डालते हैं ताकि पिज्जा उसकी स्टीम से अच्छे से बेक हो जाए। और नमक को आप बार बार यूज कर सकते हैं। आप इसे ठंडा होने पर एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और उसे फिर से यूज कर लें। अब हम इसे यहाँ पर एक स्टैंड रखेंगे। इसके ऊपर जो हमने पिज्जा कटोरीज रेडी की थी वो एक एक करके इसमें रख देंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पर कुक करेंगे।
मोजरेला चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है, हमारा पिज्जा बनकर तैयार है। अब हम इसे कटोरी से निकालकर अलग रख लेंगे। पहले इस तरह से नाइफ से आप किनारों को अलग कर लें। पिज्जा इजीली निकल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कटोरी पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। हमारे कटोरी पिज्जा बनकर तैयार हैं। आप इसे टमाटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और इसका आनंद लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और मेरे नए नए वीडियोस की अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।